قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. युवक किशोर ने इंसेंटिव देते थे बेटी को मोटर खरीद कर, युवक किशोर ने इंसेंटिव देते थे बेटी को मोटर खरीद कर, हिंदुस्तान की शान है भारत को देखिए देता है बाप बेटी को मोटर खरीद कर। हकीकत करूंगा बयान हो तो चाहे बन जाए मेरी जबान हो तो जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो जिस कड़े ना कहीं बात बात हो जो हमारे शरीर बनाया हो मुझे बदल में क्या हो मरा हो तो अपनी मंजिल के मन में रहने का रवा तो उपाय करे कारवा सदरे हमारा और आज अल्लाह जगह जहां मोहतरम मेहमान है अल्लाह और उसमें काल के और सबको और नौजवान दोस्तों और बुजुर्गो आज मैंने सभी जनावर से सुमन तेरा यह सही बात मैं चाहता हूँ कि इसके माहौल पर कुछ लगभग उठाया करो। अच्छी जो आप बताते हैं काम है और आन करा के लिए मैंने सिखाया एक आयत आपके सामने पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि किसी के घर में आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात रबीउल अव्वल के महीने में हुई और पीर का दिन था जिस दिन हमारे आमद हमारे वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दुनिया से फौत हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात में चार दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर खड़े हो गए। सहाबा किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कभी देखा नहीं था कि अल्लाह के रसूल जोहर की नमाज पढ़ाए हो और उसके बाद मिंबर पर खड़े हो गए हो। सहाबा किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ सारे सहाबा जमा पूरी और
Allah Subhanahu wa ta'ala.
جسم کا ہیت واجب ہے وہ قبر کی قبر کی قبر ہے اللہ قیامت کے میدان میں میرے گناہوں کو معاف کرنا اور ان کی سزا تو یہ سزا کرتے ہیں وہ راہ کے نمبر اپنی جنت تک جائے جیسا راہ کے جنت کا پایا کرتا تیسری دعا مانتے ہیں وہ راہ تم یوم القیامت جیسا راہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل نہ کرنا قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل نہ کرنا میرے بھائیوں سوچو قیامت کا میدان کیا ہوگا کیا حال ہے اور انہیں دعوت